बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम से वीयर्स ये पैडागोजी के हवाले से कुछ क्वेश्चन है आई वांट टू शेयर विद देम क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर चलते हैं देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन इसमें है ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इंपैक्ट दैट इंडिविजुअल्स ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन for the purpose of applying such knowledge to our improve in organizational effectiveness so kya hoga jisme kehta hai ki kisi bhi organization ka kisi bhi individuals ka uske behaviors ka hum dekhte hain aur uske hawale se jo hai ऑर्गेनाइजेशन में उसका बिहेवियर किस तरह से होगा उसकी study की जाएगी तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहेंगे इसमें ऑप्शन भी जो ये uh, है ये करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक जॉब और टॉस्क इन ए इनफॉर्मल सेटिंग विदाउट एनी हेरिकल बाउंड्रीज सो इनफॉर्मल सेटिंग में अगर वर्क कर रहे हैं टुगेदर इन द ग्रुप्स उसको हम क्या कहेंगे ये इंटरेस्ट ग्रुप कहेंगे कमांड ग्रुप कहेंगे टास्क ग्रुप कहेंगे या ग्रैंड ग्रुप कहेंगे सो so, जब वो इन फॉर्मल सेटिंग में वर्क कर रहे हैं तो उसको जो है ये कमांड ग्रुप जो है ये कहा जाएगा कमांड ग्रुप जिसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइट टू गेट स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस स्टूडेंट्स के लिए क्या अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए किस क्वेश्चन को जो है वो होना <coughs> उनके लिए ज़रूरी है उनके जेन में तो इसमें जो है, जो है ये ऑप्शन डी वाला जो है जो करेक्ट होगा ये देख ले वाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू यूर लाइफ ये बात जो वो बच्चों से वट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन यूर लाइफ सो इट इज़ ए मोस्ट लाइक टू गेट स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पज नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथमेटिक का क्वेश्चन आ गया है दैन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके इसका वन ऑप्शन आता है तो इसको छोड़ छोड़े आगे चलें द विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल आप एलोजिकल प्रोसेस दैट माइट स्टडीज बाई एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट तो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस का uh, क्या उसके बारे में जो है उसको पता होना चाहिए uh, तो जिसमें जो है जिस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अगर उस हवाले से तो उससे डिवेलपमेंट आ सोशल रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप्स के हवाले से जो है ये इसके ऊपर जो है वो फोकस करेगा और ये उसको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें माइनर टीचिंग इज ए टीचर मेथड टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स मोटिवेशनल दिस तो जो माइक्रो टीचर है सॉरी माइक्रो टीचिंग तो माइक्रो टीचिंग जो है ये क्या है ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं टीचर को ट्रेन करने के लिए और माइक्रो <laughs> टीचिंग में जो है वो टीचर से टीच, किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो लिया जाता है टीचर से और लेक्चर्स देता है टीचर उसको मॉनिटर किया जाता है आममन इसका फाइव टू तो टेन और जो के लिए टाइम होता है और स्टूडेंट्स की तादाद बीसवीं उसके बाद एक्सपायर जो होते हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं और उसको एवेल करते हैं आखिर में कि किस हद तक इसकी ट्रेनिंग हुई है नेक्स्ट है

जो है वो एनर्जीज को जो है वो इन्वेस्टमेंट उसकी जो है वो होती है इन टू आवर्स द जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द डोमेन्स इन द ऑफ़ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड कितने हैं जी नंबर ऑफ डोमेन्स जो है वो तीन है hmm. कौन कौन सी कॉग्निटिव डोमेन साइको मोटर डोमेन और एफेक्टिव डोमेन और साइको मोटर डोमेन तीन जो है ये डोमेन है नेक्स्ट क्वेश्चन hmm. कोआर्डीनेटिंग स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ़ द टीचर इज द पर्पज़ आ टीचर की ग्रोथ को स्टमुलेट करना उससे कोआर्डिनेट करना और उसकी डायरेक्टिंग दे देना उसको तो ये सारा ये किसका पर्पज़ होगा ये सुपरवाइजिंग करती है ये मैनेजमेंट करती है एडमिनिस्ट्रेशन करती है या इंस्पेक्शन होती है तो देखिए को आर्डिंग करना स्टेमुलेटिंग करना डायरेक्टिंग टीचर ये इंस्पेक्शन होती है जिसमें टीचर की इंस्पेक्शन होती है का ये परपज़ होता है कि वो टीचर की स्टेमुलेट करी और उसको डायरेक्ट करी टू देयर ग्रोथ टू द टीचिंग प्रोसेस एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द फिलोसफी कंसर्न विद द थ्यूरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी किसके साथ डील करती है डील्स टू द नॉलेज ये नॉलेज के साथ डील करती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है टू ब्रेक इनफॉर्मेशन इन थ्रो पार्ट्स एंड टू एग्जाम द इंफॉमे इज कॉल इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना डिफरेंट पार्ट्स में किसी भी तो इसको जो है वो क्या कहते हैं तजिया कहते हैं तो ये जो है ये डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर नोटिस दैट मानूर कैन सोल्व ए प्रॉब्लम प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ आर पेयर गाइडनेस द गस इज कॉल्ड अपने पेयर गोयनेस को यूज़ करते हुए मानूर को प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रही है तो इस गोयनेस को हम क्या कहेंगे असिस्टेंस परफॉर्मेंस कहेंगे लिटरलाइजेशन कहेंगे द जून ऑफ द प्रोक्सीमल डेवलपमेंट कहेंगे प्रिपोशन प्रिप्रेशनल थिंकिंग कहेंगे तो ये जो है ये क्या है जून ऑफ द प्रोक्सीमल डेवलपमेंट है जिसमें मानूर जो है अपने पी की हेल्प से जो है वो गाइडेंस ले रही है और ये गाइडेंस टू आवर्स जब वो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उस वक्त तक ये गाइडनेंस उसके साथ होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द लेसन प्लान लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है जी ऑब्जेक्टिव कैरिकम एवेल्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या आई है लेसन प्लान में कैरिकम एवेल्यूशन नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी इससे नहीं है और आईक्यू भी नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो लेसन प्लान में होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मकासद क्या हैं लेसन के ये ये जो चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर कामरान स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी वेल टूगेदर इन द ग्रुप्स ऑन ए कोऑपरेटिंग प्रोजेक्ट द बेल विल रिंग इन द फाइव मिनट हो कुल मिस्टर कामरान बेस्ट यूज कोइंग टू लेट द स्टूडेंट आओ दैट दे नीड टू व्रैप थिंक अपरान्स जो स्टूडेंट्स student, हैं वो किसी ग्रुप में जो है वर्क कर रहे हैं और बेल जो है वो उसका टाइम हो चुका है पाँच मिनट जो है वह रह चुके हैं तो मिसर कामरान्स को क्या, क्या तरह से उन्हें बताना चाहिए कि टाइम जो है वो हो चुका है बेल का तो उसके ये क्या करेगा तो वो बेल को सॉफ्टली रिंग करेगा टाइम के ऊपर लाउडली टेल द स्टूडेंट टू गेट बैक टू दियर सीट लाउडली बच्चों को बताएगा या हर एक बच्चे को इंडिविजुअल तौर पे बताएगा कि क्लास एंड होने लगी है तो इसमें जो करेगा वो क्या लाउडली टेल द स्टूडेंट टू गेट बैक टू देयर सीट्स तो इसमें ऑप्शन ये वाला करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन पॉलिसी

ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट टू के टेस्ट इन फोर ऑफ परसेंटेज ऑफ इसलिए हमने परसेंटेज निकाल ली है पच्चीस में से चार जो है वो फेल हो चुके हैं तो percentage result जो है क्या होगा तो ये एटी टू होगा नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ स्कूल पावर रिवार्ड पावर एक्सपर्ट पावर क्वारसिव पावर

तो इंटरव्यू प्रोजेक्ट फिजिक्स ये सब फार्मल असेसमेंट है और इसमें जो ऑब्जर्वेशन है ये इन असेसमेंट है ये फार्मल असेसमेंट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस आसमा टीच थर्ड ग्रेड विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट टू है तो किस पीरियड एज के लिए जो है वो टीच कर रही है थर्ड ग्रेड में इंफीनसी के लिए एडोसी के लिए मिडिल चाइल्डहुड लेट चाइल्डहुड के लिए या अर्ली चाइल्डहुड के लिए

पैडागोजी इज़ विद मैथड से ये रील करती है वाट आर द प्राइमरी कलर्स प्राइमरी कलर कौन से हैं जी प्राइमरी कलर जो होते हैं ये रेड ब्लू ग्रीन जो है ये प्राइमरी कलर में आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोरिकलमी टीचर चार्ल्डर चार्ल्ड सेंटर कार्यकोलम कौन सा होगा जब टीचर जो है वो प्रेलिस्ट होगा तो वो प्रोग्राफिस्ट होगा वो रियलिस्ट होगा या एसेंशलिस्ट होगा तो ये जो थ्योरी या है फलासफिया थ्योरी जिसमें चाइल्ड सेंटर के ऊपर जो फोकस करते हैं वो प्रोग्रविस्ट जो हैं और ये इसमें ये टीचर जो है वो इस थ्योरी को लेकर चलेगा जिसमें वो चाइल्ड सेंटर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द हाई पाथ अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज़ टीचर आर नॉट कॉन्फिडेंट टीचर फील बोर वाइल वर्क अलाउंड तो कौन सा आई पास फिट होगा जी देशर इज दूल आर शेयर बाय द मोर टीचर ये बड़ा टीचर होगा इसमें टीम जीतने के लिए, जी? लिए जी बेस्ट टीचर जो है उसको शेयर बाय द मोर स्टूडेंट उसको शेयर किया जाए तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने जो है ये सॉल्व किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे चलेंगे और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करेंगे वीडियोस को लिख ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्वेश्चन से पैडागोजी के हवाले से मैक्सिमम जो है वो पेपर जो है वो इस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे